गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी है बहुत ही खास। जी हाँ, आपको पसंद जरूर आएगी और आप बिल्कुल खो सा जाओगे। जी अरे जरा रुको, पहले कहानी को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मिस नारा की कहानियाँ। ये कहानी है राघव की। राघव कहता है, उस दिन रिमझिम बारिश हो रही थी। शहर जरा सुनसान सा था क्योंकि बारिश सुबह से ही हो रही थी। रात के करीब 9 बज चुके थे। मैं अपने टिफिन हाथ में लिए जा रहा था अपने दफ्तर से घर की तरफ। एक सिगार जलाई थी ताकि अकेलापन महसूस ना हो। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, बस बीच बीच में एक दो गाड़ियां चल रही थी और बारिश रिमझिम हो रही थी। मैं सिगार में मगन था। दो बोतल विस्की भी ले ली थी। रात ठंडी है, ठंड में विस्की पीने का मजा ही कुछ और था। मेरे सभी साथियाँ ऑफिस के आज काफ़ी खुश थे क्योंकि बाद वाला दिन शनिवार और उसके बाद इतवार था। अपने शादीशुदा ज़िंदगी में अपने बच्चे और पत्नी के साथ अच्छी कटेगी। खैर मेरी बात ही कुछ अलग थी। आज पत्नी से अलग हुए करीब 4 साल हो चुके थे। 4 साल में ज़िंदगी बिल्कुल झंझी हो गई थी। पहले मैं भी घर जाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता था, लेकिन पत्नी के साथ डिवोर्स के बाद घर जाने का मन ही नहीं करता। अगर बच्चा मेरे साथ रहता तो अलग बात था। अब तो मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है और बाहर रहता है। महीने में करीब एक बार कम से कम मिल लेता हूँ। यही सब सोचे घर की ओर रास्ता चल रहा था तभी एक गाड़ी रुकी दिखाई दी। उस गाड़ी से कोई लड़की मदद के लिए पुकार। मैं उस गाड़ी की तरफ जाने लगा तो एक लड़का उस गाड़ी से बाहर निकला, मुझे काफ़ी घूर रहा था। अंदर लड़की की आवाज़ देखकर कि मदद के लिए पुकार रही थी, मैं उधर से जाने लगा तो उस लड़के ने कहा, तुझे क्या काम है, चलिए यहाँ से निकल फट। मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन मेरी आवाज़ें सुनकर और उस लड़के की आवाज़ सुनकर वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी कि मदद करो, हेल्प मी। मुझे लगा शायद मदद करनी चाहिए। मैं उधर गया तो उस गाड़ी से और एक लड़का निकला और कहा, क्या मतलब है, चल निकल यहाँ से। मैंने उस लड़के को धक्का मारा तो वो लड़का भी काफ़ी मेरे ऊपर चलने आया। उसे बगल से और एक लड़का आया कि क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से जाने बोल रहे हैं, तुझे पता है मैं कौन हूँ। मैंने अपना हाथ नीचे किया, एक पत्थर था, पत्थर लेकर गाड़ी की कांच में दे मारी। कांच टूटा तो नहीं था लेकिन निशान जरूर हो गए थे। वो लड़के डर गए। उस लड़की ने मौका देखकर दरवाजे से निकलकर मेरे पीछे आगे रुक गई। मेरे पीछे आके बोली, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। उस लड़की का उम्र करीब 23-24 साल होगा। मैंने उसे कहा, चलो मेरे साथ। उन लड़कों को मैंने कहा, ज़्यादा कुछ किया तो अभी शोर करूँगा, सब आ जाएंगे, पुलिस का भी नंबर है मेरे पास। ये सुनकर वे लड़के डर गए और गाड़ी स्पीड से ले भाग गए। वो लड़की मेरे साथ रास्ते में जाने लगी। उस लड़की ने अपने कपड़े किसी तरह सही किए और मेरे तरफ साथ उसने कहा, क्या मैं आपके घर जा सकती हूँ, यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर है। मैंने कहा, हाँ चलिए। वो लड़की काफ़ी डरी थी, शायद उसे ठंड भी लग रहा था। मैंने अपना जैकेट उसे दिया और कहा, लीजिए आप इसे पहन लीजिए। उसने कहा, नहीं आपको ठंड लगेगी। मैंने कहा, कोई नहीं आप पहन लीजिए। उस लड़की ने वो जैकेट ले लिया, शायद उसे ठंड भी लग रही थी। सुनसान रास्ते में मैं और वो लड़की हम दोनों जाने लगे। उसने मुझे कहा कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर इस जगह पर फंसी कैसे अकेले। वो इस घटना को सोच के ही डर रही थी। मैंने उसे कहा, ठीक है कोई नहीं, आप घर जाकर बात करते हैं। मैं उसे अपने साथ अपने घर ले गया। पत्नी और बच्चे के चले जाने के बाद ऐसे में थोड़ी झिझक भी थी। मैंने उसे अपने कपड़े दिए क्योंकि उसके कपड़े पहले ही भीग गए थे बारिश में, और कहा जाकर बदल लीजिए कपड़े।
यूं तो मेरे पास कोई लड़की के कपड़े नहीं थे, तो उसने मैंने अपने ही कपड़े दे दिए। वो बिना कुछ बोले वॉशरूम की ओर चल गई, तो मैं भी किचन जाकर चाय गर्म करने लगा। चाय लेकर उसे दिया तो उसने कहा शुक्रिया। मैंने कहा चाय पी लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। चाय पीते हुए वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा, गुलाबी सी होंठ, पतला सा होंठ, नसीली आँख और बेदाग सा चेहरा, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी वो। मैंने कहा आपका नाम? तो उसने कहा पिया। मैंने कहा पिया क्या? तो उसने कहा बस पिया। मैंने कहा तो आप यहाँ पर कैसे आई? उन्होंने कहा क्या बताऊँ जिंदगी की, घर से पढ़ाई के सिलसिले पर शहर आई थी। शहर पर वैसे तो मैं अभी हॉस्टल में ही रहती थी, और हॉस्टल में ही मेरी मुलाकात कॉलेज में एक लड़का राकेश से हुई। वो काफ़ी अच्छे घराना का था। उससे बातें करते करते हम दोनों की प्यार भरी बातें शुरू हो गई। एक दिन उसने मुझे कहा कि चलो हम घूमने चलते हैं। मैंने पहले तो मना कर दिया, फिर आज सुबह उसने कहा चलो ना हम घूमने चलते हैं। मैंने कहा बारिश के मौसम में कहा? उसने कहा मैं अपनी कार में ले आऊँगा और हम घूमेंगे शहर में। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपने हॉस्टल से निकली सुबह के टाइम, तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था। मुझे पता नहीं था वो कुछ दोस्तों के साथ आएगा। और फिर पहले तो हमने घूमा, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा मुझे हॉस्टल तक छोड़ दो, तो यहाँ पर गाड़ी रोक कर ये सब कुछ हो रहा था। फिर आपने मेरी मदद की, शुक्रिया, आपने आज मेरी जान बचा दी। नहीं तो शायद मैं ज़िंदगी में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बनती, और इतना ही नहीं, मुझे शायद ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता। मैंने कहा कोई नहीं, समझदारी रखिए, शहर में सब उतने अच्छे नहीं होते। वो अब भी डर रही थी मुझे देखकर। मैंने कहा डरिए मत, मैं वैसा नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ लेकिन डाइवोर्स हो चुका है। उस दिन वो काफ़ी डरी थी, तो मैंने उसे कहा कि आप बेड पर सो जाइए, एक ही कमरा था। तो उसने मुझे तरफ देखा, तो मैंने कहा मैं सोफे में सो जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं सोफे में सो जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप मेरे घर की मेहमान हैं, आप सो जाइए। रात बहुत देर हो चुकी थी। मैंने दफ्तर से आते वक्त ही कुछ खाना भी अपने साथ ले आई थी, तो मैं उसे अपना खाना दे दिया। हम दोनों खाना खाए फिर सो गए। सुबह उठी तो वो हॉस्टल जाना चाहती थी, मैंने उसे हॉस्टल तक छोड़ दिया। उम्र में तो वैसे मेरे से काफ़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया था। नंबर था मेरा उसके पास, उसका भी, तो धीरे धीरे बातें शुरू हुई और फिर हम दोनों साथ आ गए। विश्वास नहीं होता कि लोग कब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, कब प्यार हो जाते हैं। वैसे तो उम्र में काफ़ी कम थी मेरे से, लेकिन सच कहूँ तो प्यार मैं उसे बहुत करता हूँ, और आज मेरे साथ है वो। शादी तो नहीं हुई है हमारी, लेकिन बहुत जल्द होने वाली है। हेलो, कहाँ खो गया? कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या आप रियल लाइफ से इसे इंसिस्ट कर रहे हैं? कई बार हम कहानी में इस तरह खो जाते हैं कि रियल लाइफ समझने लगते हैं। खैर, इस बात को समझिए कि लाइफ बहुत बड़ी है और ज़िंदगी कटते जाती है। कब किससे मुलाकात हो जाए, कब किससे प्यार हो जाए, कहीं नहीं जा सकता। तो इंतज़ार कीजिए अपने आने वाला प्यार का, और आपके साथ कोई अगर है तो उसके साथ लाइफ में अच्छी रहिए। बाय, टेक केयर दोस्तों। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बाय, टेक केयर।